First and foremost, hello everyone. Here is Sayed Wakar, and again I welcome you all in Desire Coaching Classes YouTube channel. And today we are going to complete our fifth day and fifth lecture of 30 days spoken English course. Okay, so in this video lecture I am going to give you something different vocabulary, something different word building, which will help you to increase your communication skill, to interact with the people and to learn how to speak in English with in front of the people. Okay, the main thing I'm going to share with you in this video lecture is that you will cover two steps and two topics in your life. Means with the help of this video lecture you can communicate and you can speak English fluently with the help of this lesson. Okay, and the second is these words and this vocabulary is asked in board examination also, what we can say, SSC, HSC and competitive examination. So this video lecture is going to be helpful in your day-to-day life and in your examination which you will going to have in your life. Okay, so let's start the topic. And so the topic we have started today, it is vocabulary. Okay, आज जो video lecture हम सीखने जा रहे हैं, इस video lecture के अंदर हम हमारे word building को और अपनी vocabulary को increase करेंगे. With the help of this topic we are going to increase our vocabulary. Okay, तो हम सबसे पहले complete करेंगे synonym, एंटोनिम, होमोग्राफ और होमोफोन्स. ये क्या होते हैं, इनके मीनिंग क्या होते हैं, इनके यूज़ क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कवर करने जा रहा हूँ. आप ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को समझने की कोशिश करें, अपने पास एक नोटबुक और पेन के जरिए आप इसको अपनी नोटबुक में राइट करें. ओके, और आप कोशिश करें कि आपके खुद के भी आप कुछ वर्ड्स बनाएं इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिनोनिम्स. आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि सिनोनिम्स आप सबको पता होगा, इसमें आपको शायद कोई प्रॉब्लम ना हो. सेम मीनिंग वर्ड्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वर्ड्स, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, ऐसे शब्द या ऐसे अल्फाज जिनके मीनिंग सेम होते हैं, ऐसे अल्फाज जिनके मीनिंग सेम होते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, स्पीक टॉक. स्पीक का भी मतलब होता है बोलना और टॉक का भी मतलब होता है बोलना. स्टार्ट, बिगिन. स्टार्ट का भी मतलब होता है शुरू करना और बिगिनिंग का, बिगिन का भी मतलब होता है शुरू करना. एंड फिनिश. ओके, तो इन तीनों वर्ड्स के, ये तीन वर्ड्स सिनोनिम है. मतलब स्पीक हो या टॉक हो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं सिनोनिम, सेम मीनिंग वर्ड्स. सो हैव यू गॉट सिनोनिम्स क्या होता है. सिनोनिम ऐसे शब्द, ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके मीनिंग सेम होते हैं. जैसे कि लिसन, हियर. हियर का भी मतलब होता है सुनना और लिसन का भी मतलब होता है सुनना. ओके, तो नाउ आई थिंक यू गॉट द मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स और सिनोनिम क्या होते हैं. उसके बाद है सेकंड नंबर पर एंटोनिम्स. एंटोनिम्स क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स या अपोजिट मीनिंग वर्ड्स हमें, हम इन एंटोनिम्स को कहते हैं. जैसे सिनोनिम्स मीन्स समानार्थी शब्द, है ना, और एंटोनिम्स का मतलब होता है विरुद्धार्थी शब्द. ओके, तो यहाँ पे एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग वर्ड्स. जैसे पहले एग्जाम्पल है स्ट्रांग. स्ट्रांग मतलब ताकतवर, और उसका ही अपोजिट है वीक. तो स्ट्रांग वीक, ताकतवर कमजोर. तो यहाँ पे स्ट्रांग का जो एंटोनिम है वो है वीक. सेकंड जॉय, अनहैप्पी, खुश, और हम कह सकते हैं गमगीन. तो ये जॉय का हुआ अनहैप्पी. लाफ, कराए, हंसना, रोना. ओके, सो हमने अब एंटोनिम्स को भी सेकंड नंबर पर कंप्लीट किया है. एंटोनिम्स वो होते हैं जिनके अंदर जिद अल्फाज या विरुद्धार्थी शब्द होते हैं, उन्हें हम एंटोनिम कहते हैं. अपोजिट वर्ड्स को हम एंटोनिम कहते हैं. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. ओके, सो नाउ वी विल सी होमोग्राफ. होमोग्राफ क्या होता है. होमोग्राफ इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 1 मार्क. आपको लैंग्वेज स्टडी के अंदर शायद मुझे पैसेज में आपको वोकैबुलरी के अंदर होमोग्राफ पूछा जाता है. होमोग्राफ क्या होता है. होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग्स बट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट मीनिंग्स. होमोग्राफ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट. बैंक, बैंक तो एक वर्ड है लेकिन इसके दो मीनिंग होते हैं. एक होता है बैंक, ओके, जहां हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, जिसे हम बैंक कहते हैं. और दूसरा होता है बैंक जिसे हम बीच कहते हैं, है ना, नियर द ओशियन. ओके, तो यहाँ पे बैंक, आई एम इन अ बैंक
टॉकिंग विद मैनेजर, मैं बैंक में हूं और मैनेजर से बात कर रहा हूं. ओके तो यहां पे बात चल रही है बैंक की, और ही इज नियर अ बैंक, वो बैंक के करीब है, मतलब वो बीच के करीब है. ओके तो द वर्ड बैंक इज हेयर होमोग्राफ. बैंक यहां पे होमोग्राफ क्यों है, क्योंकि उसके स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है. जिनके स्पेलिंग सेम हो मीनिंग अलग अलग हो उन्हें हम कहते हैं होमोग्राफ्स. ओके सो देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ होमोग्राफ. बैट, बैट का मतलब होता है बल्ला भी होता है और चमगादड़ भी होता है, तो हेयर इज ऑल्सो अ वन वर्ड. बैंक. फाइन, फाइन का मतलब होता है अच्छा होना, फाइन का दूसरा मीनिंग होता है पेनाल्टी. तो यहाँ पे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स विच इज यूज एज ए होमोग्राफ. सो वी हैव कंप्लीटेड होमोग्राफ ऑल्सो. एंड द लास्ट वर्ड इज होमोफोन्स. ओके लास्ट बट नॉट लीस्ट. ओके होमोफोन्स. होमोफोन्स आर वर्ड्स हैविंग डिफरेंट स्पेलिंग. होमोफोन्स आर वर्ड्स हैविंग डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग बट सेम प्रोनंसिएशन. होमोफोन्स क्या होते हैं कि उनके स्पेलिंग अलग होते हैं, मीनिंग अलग होते हैं, लेकिन प्रोनंसिएशन सेम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डियर, डी ई ए आर डियर, और डी डबल ई आर डियर. तो यहाँ पे ये डियर का मतलब होता है अजीज, बहुत प्यारा, और इसका मतलब होता है हिरन, या जिसे हम हरन कहते हैं. ओके तो ही इज माई डियर फ्रेंड, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. और आई सॉ अ डियर इन द फॉरेस्ट. सो होमोफोन्स आर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं. ओके मीनिंग डिफरेंट होते हैं लेकिन प्रोनंसिएशन सेम होते हैं. इट इज आस्क्ड फॉर 1-2 मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो. सो दिस वीडियो लेक्चर विल हेल्प यू टू स्पीक विद सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स विद द पीपल एंड ऑल्सो फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके सो कलेक्ट हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोग्राफ एंड होमोफोन्स, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स, विद योर फैमिली मेम्बर्स. सो यू विल इंक्रीज योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड इट विल बी हेल्प फॉर योर स्पीकिंग एंड बोर्ड एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.